City. Knocked him over. What a delivery shot. यार अजीब ही कोई फजूल और घटिया मेंटेलिटी है हमारे कुछ लोगों की। क्या ही कोई घटिया हरकत की है ये मुल्तान के क्राउड में से किसी ने। मैं ना आपको वीडियो दिखाता हूँ। चुप कर बे कुत्ते। अब इनकी अपनी औकात बस इतनी होती है कि इनके घर वाले इनको गली के कुत्ते के साथ खाना डालते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं यही पीट रहा था कि भाई साहब क्रिकेट प्लेयर्स को ना टेक्निकली जज किया करो। ये जो लंडे के फैंस मुंह उठाकर आ जाते हैं ना कि जिन्हें क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप मैच ना देखा करो, मेहरबानी आपकी, आप जाके ना टेबल टेनिस देखो या फिर आप ना जाके बॉल का गेम शो देखो। यही औकात है आपकी, क्योंकि सॉरी टू से कि आपको क्रिकेट देखने की सेंस नहीं है। असल में अक्ल कोनी थे मोजे ही मोजा। असल में ना बात अक्ल की भी नहीं है, बात यह कि टिकट सस्ती होती है ना तो फिर हर सस्ता बंदा स्टेडियम में जाता है। यही लोग, यही बरसाती मेंढक जिनको अपना अबू बनाते हैं ना ये इंग्लिश प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, वो जी क्या इनिंग खेली है, हार गए लेकिन बहुत ही अच्छा खेला। बेटे पहले उनकी अवाम जितना सबर और अक्ल लेकर आओ ना, उनकी अवाम उनको डिसरिस्पेक्ट करती है और ना ही उनका मीडिया। जीत गए तो अप्रिशिएट करेंगे, हार गए तो अपनी टीम की हौसला अफजाई करेंगे, ये नहीं कि मुंह से हगना शुरू कर दो। यार ये ना इस तरह की घटिया हरकतों पर ना पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह की बदतमीजी किसी भी प्लेयर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो इस तरह की बदतमीजियां करते हैं ना, इनको उठा के बैन करो भाई, स्टेडियम में आना इनका बंद करो। जब आप लोग प्लेयर की मेंटल हेल्थ के साथ खेलोगे तो वो बंदा ग्राउंड में कैसे परफॉर्म कर सकेगा भाई साहब। वो रिसेंटली हसन अली के साथ भी किसी ने इसी तरह बदतमीजी की और हसन अली ने तो उसे दो चार लगाई भी है मैंने सुना है। मैं कहना इस तरह के बरसाती मेंढकों को ठुड्डे कराओ, जिनको ना स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट और ना ही प्लेयर की। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ टीम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट के लिए ही नुकसानदेह हैं। जब इसी विकेट पर पहली इनिंग में रूट, हैरी ब्रोक और बेन स्टोक्स से खेला तक नहीं जा रहा था, तब बाबर ने इसी विकेट पर खेला और कोई एक इंग्लिश मीडिया की तरफ से मुझे ट्वीट या कोई न्यूज दिखा दो जिसमें उन्होंने अपने प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट किया हो कि भाई क्या कर रहे हो, आपसे तो टेस्ट मैच में खेला ही नहीं जा रहा। उन्होंने ये रियलिटी एक्सेप्ट की कि भाई इस विकेट पर खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये हमारे कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं शुएब जट जैसे, जो अपनी जातियात की वजह से ना प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यार हमारी ना आवाम को स्पोर्ट्स की ना समझने की जरूरत है भाई साहब। अब रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने ना कल पुर्तगाल के हारने के बाद रोनाल्डो की एक पिक लगाई व्हाट्सएप स्टेटस पे और एक भाई साहब उसे कहते हैं कि ये तो टट्टी प्लेयर है, ये टट्टी प्लेयर है एंड मैसी इज द बेस्ट। मतलब 500 मिलियन पीपल जो इंस्टाग्राम पे इस बंदे को फॉलो करते हैं वो पागल हैं। एक आप समझदार हो, नो डाउट मैसी इज द लेजेंड, बट ये कहां का असूल हुआ कि भाई साहब एक प्लेयर के इश्क में आप दूसरे प्लेयर को डीग्रेड कर दो। ब्राजील मैच हारी, नेमार जब रोता हुआ निकला तो क्रोशिया के फैंस उसे हग कर रहे थे, उसे चीयर्स कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्स फैन। अब अगर यहां मैं बाबर आजम की तारीफ करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोहली को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, या अगर मैं कोहली की तारीफ कर रहा हूं तो मैं बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। दोनों प्लेयर की अपनी क्लास है। वैसे तो क्रिकेट प्लेयर को फेम देती है ना, लेकिन बाबर, शाहीन अफरीदी और कोहली जैसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये लोग क्रिकेट को फेम देते हैं। मतलब कुछ लोग देखने ही सिर्फ इन लोगों के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, हमें बस हर मैच में 50 चाहिए, हर मैच में सेंचुरी चाहिए। मतलब अगर पहली इनिंग अच्छी खेली है तो दूसरी इनिंग अच्छी नहीं खेली तो भाई हम प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, हम प्लेयर्स को प्लेयर्स ही नहीं समझते। एक अच्छी इनिंग खेलते ना बाबर तो भाई सब सारा इंटरनेशनल मीडिया, फार्मर प्लेयर्स ट्वीट कर करके अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उसे। दिखा दो मुझे आज से या बाबर से पहले किसी पाकिस्तानी प्लेयर की ये ग्रेस। आपको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फार्मर प्लेयर्स हैं जो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंज ना कराया करो मेरा वीर यार। मतलब अगर तुम किसी एक प्लेयर ने सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें मतलब कि उन्हें कह लो कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी ना करो। ठीक है, सोशल मीडिया पे चलता है यार, सोशल मीडिया पे बंदा इस तरह की बातें करता है, हरकतें करता है, ठीक है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। आप एक बंदे को लाइव क्राउड में बैठ के उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन कि उस बंदे की मेंटल हेल्थ का किड़ा फर्क पिया होना है। बात करते हैं डे 3 की। भाई साहब वही हुआ जिसका डर था, विकेट इतनी कोई मुश्किल थी आज। इवन एंड पर तो पिच की हालत ये थी भैया कि बॉलर्स ने तो बल्लेबाजों को बंदर बनाया हुआ था। खैर शुरू से आते हैं, शुरू से नहीं ऊपर से आते हैं कि दूसरे दिन के एंड पर इंग्लैंड के तकरीबन 202 पर 5 आउट थे और अगले दिन इंग्लैंड मजीद सिर्फ 75 स्कोर ही कर सकी। एक दो विकेट ही गिराना मुश्किल था, उसके बाद तो टेल ही थी। लेकिन पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू हुई तो ऐसे फील हो रहा था कि ये भी टेल ही है बैटिंग लाइन की। पहली विकेट कोई 66 स्कोरों पर गई है, दूसरी विकेट 67 पर और अगली विकेट जो है वो 83 पर। कमाल हो गया भाई साहब। यार ये जो आज रॉबिन्सन और जिमी ने दो डिलीवरीज की थी ना, वाओ। स्पेशली जिमी जानी ने जो रिजवान को बोल्ड किया ना, एन एब्सोल्यूट इजाफा फ्रॉम लेजेंड ब्रो, टोटली मैं कहता हूं कि अनप्लेएबल यार। उसके बाद इमामुल हक और सऊद की पार्टनरशिप लगी तो सांस में सांस आई कि भैया अब कुछ हो सकता है। मतलब कि कोई थोड़ी सी किरण नजर आई, उम्मीद की किरण। लेकिन ये पार्टनरशिप भी कोई सिविल इंजीनियरिंग के कैरियर की तरह ज्यादा देर नहीं चल सकी और इमाम भैया रजा इलाही से आउट हो गए। अब कल डे 4 है, डे 4 क्या भाई साहब, ऑलमोस्ट डे एंड डे ही होगा, लास्ट डे ही होगा हर लिहाज से। अगर इमाम भैया आउट ना होते तो शायद सीन कुछ और होता, लेकिन अभी तो 50-50 है। सजनों तो बेलियो टेस्ट की क्लास यही है कि एक सेशन पूरी इनिंग का मूड बदल कर रख देता है। मानो या ना मानो, है यार मान जाओ कि
दोनों ही टेस्ट मैचेस एक जरा भी बोरिंग नहीं थे। पहले में तो दूसरे दिन जाके पता चला कि भैया हाँ ये तो टेस्ट मैच है, वरना पहले दिन तो इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बंदर का घंटे ही बनाया हुआ था। खैर देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कि हम ये टेस्ट जीत कर सीरीज बराबर करेंगे और अगले टेस्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो यार जानी आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। यार आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो बनाऊँ, एटलीस्ट अगर डेली नहीं तो एक दिन बाद एक वीडियो तो जरूर आनी चाहिए क्रिकेट सीजन में। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि डेली वीडियोज भी आया करें इस चैनल पर। और बाकी जितने भी क्रिकेट फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यार, आपने 1K करवा दिए हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते अपनी कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दे देना। मुल्तान में जो ये क्राउड वाला एक इंसिडेंट हुआ बाबर आजम के साथ, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर अगेन, लव यू ऑल।